गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम अभी रिवीजन कर रहे हैं तो आज हम चैप्टर नंबर 5 का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पहले इनिशियली हम वेरी शॉर्ट आंसर्स जितने भी चैप्टर्स के हैं उसको हम स्टार्ट करते आ रहे हैं। लास्ट टाइम जब हमने रिवीजन किया था हमने चैप्टर नंबर 4 के वेरी शॉर्ट किए थे, आज हम चैप्टर नंबर 5 के वेरी शॉर्ट करेंगे। एज यू नो चैप्टर नंबर 5 जो था इंडियन डेजर्ट के ऊपर था, तो उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन थे तो आइए हमको डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज Name the states that Thar Desert covers. Okay, Thar Deserts, जो हमारे यहाँ जो रेगिस्तान है उसका नाम है थार। ओके, तो उन डेजर्ट कौन कौन से स्टेट्स यानी कौन कौन से राज्यों में वो डेजर्ट कवर करता है, कौन कौन से राज्यों में डेजर्ट एग्जिस्ट करता है हमारे इंडिया में। सो कौन कौन से राज्य है, सबसे ज्यादा जो पोर्शन रेगिस्तान का वो कहाँ मौजूद है, राजस्थान में, देन गुजरात, देन पंजाब एंड देन हरियाणा। यानी कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा हरियाणा में थार डेजर्ट कवर करता है ये पूरा रीजन। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है विच एनिमल्स आर रेयर इन डेजर्ट, कौन कौन से एनिमल्स को रेयर करते हैं डेजर्ट रीजन में, यानी कौन कौन से एनिमल्स को रेयर का मतलब होता है पालना, कौन कौन से एनिमल्स को हम डेजर्ट रीजन में पालते हैं। तो कौन कौन से एनिमल्स है, शिप, गॉड्स एंड कैमल। शिप का मतलब भेड़, ओके, गॉड्स बकरी और कैमल यानी ऊंट। ओके, इन एनिमल्स को हम ज्यादातर हम पाला जाता है डेजर्ट रीजन में। ओके, फिर इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज वाटर सप्लाई टू द बिग सिटीज इन द राजस्थान, राजस्थान की जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं यानी बड़े बड़े शहर है वहां वाटर सप्लाई कैसे किया जाता है। द वाटर इन द बिग सिटीज ऑफ राजस्थान इज सप्लाई थ्रू द लॉन्ग पाइप्स, जो वाटर है बड़ी बड़ी सिटीज राजस्थान में उनको कैसे सप्लाई किया जाता है, लॉन्ग पाइपलाइंस, बड़ी बड़ी पाइपलाइंस डली हुई है और बहुत लंबी पाइपलाइंस, लंबी दूरी तक पाइपलाइंस डली हुई है, जिसकी वजह से पानी की पानी जो है बड़ी बड़ी सिटीज में पहुंचाया जाता है राजस्थान में। ओके, क्योंकि राजस्थान में का जो आधे से ज्यादा हिस्सा वहां पर पानी कमी है, रीजन ये है कि वहाँ बारिश बहुत कम होती है, एक तो जो रेगिस्तान वाला इलाका वहाँ तो बारिश बहुत ज्यादा कम होती है और जो कुछ रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर इंसान रहते हैं वहाँ बहुत कम एरियाज में पानी है, तो राजस्थान में लंबी लंबी पाइपलाइंस जो एक सिटी से दूसरी सिटी को कनेक्ट करती है इसके थ्रू वहां पर पानी पहुंचाया जाता है थ्रू पाइपलाइंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज वेयर डज इंदिरा गांधी कैनल गेट वाटर फ्रॉम, इंदिरा गांधी कैनल जो बनाया था, जो नहर बनाई थी इंदिरा गांधी कैनल की, उसको पानी कहां कौन सी रिवर से मिलता है, कौन सी रिवर से मिलता है उसको पानी, रिवर सतलुज, इस रिवर का पानी को यूज करते हैं फॉर इंदिरा गांधी कैनल में, इंदिरा गांधी जो नहर बनाई गई थी उसमें रिवर सतलुज यानी रिवर सतलुज का पानी यूज किया गया था। ओके, और इनफैक्ट आज तक करते आ रहे हैं। नाउ फॉर व्हाट पर्पस इज द वाटर फ्रॉम इंदिरा गांधी कैनल यूज्ड फॉर, ओके, किन पर्पसों के लिए यानी किन कामों के लिए इंदिरा गांधी कैनल, इंदिरा गांधी नहर बनाई गई थी उसका पानी किन किन पर्पसेस से यूज किया जाता है, कौन कौन से पर्पस से यूज किया जाता है, फॉर ड्रिंकिंग एज वेल एज इरिगेशन, वाटर फ्रॉम द इंदिरा गांधी कैनल इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एज वेल एज इरिगेशन, यानी कि इंदिरा गांधी कैनल जो नहर बनाई गई थी, कैनाल बनाया गया था, उसका पानी पीने के लिए एज वेल एज खेतों में पानी देने के लिए यूज किया जाता है। इरिगेशन का मतलब खेतों में पानी देना, ड्रिंकिंग का मतलब पीना। ओके, इन दो यूजेस के लिए इंदिरा गांधी कैनल का पानी यूज किया जाता है। ओके, ये केवल 5 क्वेश्चंस हैं जो आपको आज का होमवर्क रहेगा इन द रिवीजन, जिसको कि आपको 3 टाइम्स अपनी होमवर्क कॉपीज में लिखना है और जो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब आपको इसका टेस्ट भी देना होगा इन्हीं 5 क्वेश्चंस का। ओके, थैंक यू।